नमस्कार बच्चों, नमस्कार। जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 11th केमिस्ट्री और 11th केमिस्ट्री में से एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये यूनिट, इसमें से मैं टाइप कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों तक इसे इसकी लिंक भी शेयर करिए। और हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे एक बहुत बड़ा ऐसा एक एनर्जी दे जाता है। और दूसरा दोस्तों, जीनियस साइंस मराठी, जीनियस साइंस हिंदी, ऐसे अपना हमारे अपने दो चैनल हैं, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोनों ही तरफ मैं जो कुछ भी वीडियोज अपलोड करता हूँ वो दोनों ही देखे आप अपना स्टडी बहुत अच्छी तरह से करिए। तो दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि लास्ट जो वीडियो मैंने इस चैप्टर के ऊपर लिया था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एटम स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं बता रहा हूँ। लेकिन एटम के बारे, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसके चार्जेस वगैरह क्या क्या है, सो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं प्रोटॉन की डिस्कवरी में के बारे में पढ़ाने वाला, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स के। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों वीडियोस में डिफरेंटली आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। वैसे भी तो हमारे बोर्ड के जो किताब है, बोर्ड्स की किताब में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में खाली एक चार पाँच पंक्तियों में भी खाली चार पाँच पंक्तियों में बताया वाला, एक पैराग्राफ है खाली। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, तो कम से कम एक पूरा एक घंटे का अपना ये वीडियो होगा, तकरीबन कम से कम एक मिनिमम 40 या 45 मिनट, 40 या 45 मिनट का मिनट तक हो सकता है। यानी कि मैं डिटेल में आपको, विस्तार से आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको नीट जी की एग्जामिनेशन आपको फेस करनी है। अगर नीट और जी का एग्जामिनेशन आपको फेस करना है तो इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में विस्तार से पढ़ाने वाला हूं और पढ़ा रहा हूं। चलो तो दोस्तों देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम का, यानी कि एटम की रेडियस के बारे में मैंने हमने देखा है, उसके बाद न्यूक्लियस की रेडियस भी मैंने आपको पढ़ाई है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहरी एरिया में एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये हम अभी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिसर्च कैसा हुआ, इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। तो चले देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, थियोरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बता दीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। अगर कहीं अगर आपको पूछा गया, समझो क्वेश्चन जे थॉमसन से एक्सपेरिमेंट अगर पूछा गया, तो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपको फिजिक्स में भी आप पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स में भी पढ़ाने वाला हूँ ये पॉइंट, और इधर केमिस्ट्री में भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के भी बच्चों को पता चले कि डिस्कवरी किस तरह से हुई। ओके, एट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, अगर गैसेस है, गैस एक मटेरियल, एक प्रकार का गैस है, और एक ट्यूब है, और ट्यूब में हमने इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इस तरह से बिठाए, और 10,000 किलो वैट ऐसी हाई इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई की है, सप्लाई दिया है, तो कैथोड से कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं, और जो कुछ भी रेडिएशन एमिट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होने के बाद अगर वो नेगेटिव चार्जेस अगर हम कहीं एक मीडियम के ऊपर अगर डालते हैं, यानी कि इंसिडेंट करते हैं, समझो सोडियम के सरफेस के ऊपर हमने अगर इंसिडेंट किए, और वहाँ से जो कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैथोड रे का कन्वर्जन एक्सरे में होता है, और वो एक्सरेज हमारे फोटोज वगैरह डिटरमाइन करने के लिए, फोटोज वगैरह एक्सरेज, फोटो वगैरह, यानी कि कहीं अगर ब्रेकेज वगैरह हुआ है तो वो डिटरमाइन करने के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी ये क्या है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर, दैट इज द 0.01 मिली एम एम, 0.01
1 mm इतना प्रेशर अगर वो कैथोड ट्यूब में रखा है तो कैथोड रेज वेयर हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है 10,000 वोल्ट। ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरह से ये कंडीशंस फॉलो की जाती है। इसके बाद डब्ल्यू क्रुक्स, देखो थॉमसन एंड जे पेरिन, देखो डब्ल्यू क्रुक्स थॉमसन एंड जे पेरिन एंड अदर स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड ट्यूब में से जो कुछ कैथोड रेज निकलते हैं तो उस कैथोड रेज का अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद किन किन यानी कि इन तीन जनों ने इसके बारे में स्टडी किया, डब्ल्यू क्रुक्स थॉमसन, और फाइनली उन्हें यह मालूम हुआ, पता चला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रहते हैं, उसमें से नेगेटिव चार्जेस बाहर, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जो कैथोड रेज पार्टिकल्स रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज कैरियर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का उनका अगर डिटेल में स्टडी करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन है ए इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो बाद में क्या है, देखो तरभा सर जे थॉमसन इन 1897 डिटरमाइंड द वेलोसिटी एंड द चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज द ई बाय एम, वेलोसिटी एंड चार्ज टू मास रेशियो, वेलोसिटी एंड चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज एंड मास इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन किया, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ थॉमसन ने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको यह बताता हूं। द थॉमसन फाउंड दैट द रेशियो दैट द ई बाय एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड और नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जिस डिस्चार्ज ट्यूब से हमने ये कैथोड रेज पार्टिकल कैथोड रेज जनरेट हुए थे और वो जनरेट होने वाले जो कि कैथोड रेज हम जहां प्रोड्यूस किए गए तो वो क्या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस इनको नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को नाम दिया बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दीज टेस्ट प्रूव दैट द कैथोड रे पार्टिकल्स आर ऑल आइडेंटिकल, यानी कि जितने भी कैथोड रे पार्टिकल्स है वो सब कैसे है, आइडेंटिकल है, यानी कि एक सब एक जैसे है। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट द कैथोड रे पार्टिकल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। फाइनली उन्हें यह पता चला कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स एटम ऑल एटम्स के इनर साइड में ये पार्टिकल्स उन्हें देखने को मिले, यानी कि जहां से यानी कि कैथोड से कैथोड रे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो कैथोड पार्टिकल्स का नामकरण किया गया बाद में इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कैथोड रे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिवली चार्ज्ड है ये पार्टिकल्स एटम हर एक एटम में, यानी कि इन ईच एंड एवरी एटम में ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वहां देखने को मिले। तो जे जे थॉमसन ने बाद में क्या हुआ देखो, तो बाद में देन द जॉनस्टोन स्टोनी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन किया थॉमसन ने, याला शोधलं कोणी थॉमसन ने आणि नाव कोणी दिलं याला, जॉनस्टोन स्टोनी नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एन इलेक्ट्रॉन, दस द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। और एक बात बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा इसका भी इसका रिविजन हम लेते हैं इसका। तो क्या हुआ, समझो कैथोड रेज थे, कैथोड कैथोड से कैथोड रेज निकले, कैथोड रेज एक स्ट्रीम थे, उनमें कुछ पार्टिकल थे, उन पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज था, ये जे जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया, जे पेरिन क्रुक्स एंड थॉमसन इन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये वो लोग ये रिजल्ट पे आए कि ये पार्टिकल चार्ज पे कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ऐसा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने ऐसा रिसर्च किया और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑल एटम में रहते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि म्हणजे अशा प्रकारचे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रत्येक ॲटम मध्ये असतात हे त्यांनी नंतर शोधून काढले किंवा संशोधनाअंती त्यांनी निष्कर्षापर्यंत पोहोचले। परंतु पुन्हा नंतर अशा प्रकारच्या ह्या नेगेटिवली चार्जच्या बाबतीत नंतर जॉनस्टोन स्टोनी यांनी या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकलला इलेक्ट्रॉन असं नाव देण्यात आलं, जॉनस्टोन स्टोनी यांनी नाव दिलं, म्हणजे शोधून कोण काढलं, जे जे थॉमसननं, आणि त्याचं बारसं कोणी केलं, तर ते बारसं केलं बाय द सायंटिस्ट जॉनस्टोन स्टोनी। बारसं म्हणजे आपण पाहतो नामकरण केलं जातं, एखाद्या बाळाला नाव वगैरे दिलं जातं, तर ते नाव देण्याची प्रक्रिया कोणी केली, जॉनस्टोन स्टोनीने केली। ओके, आता एवढा सफिशियंट पार्ट आहे आपल्या बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये, एवढं छोटं दिलेलं आहे म्हणजे स्टेट बोर्डमध्ये,
महाराष्ट्र स्टेट बोर्डमध्ये, परंतु आपणास नीट जीचं प्रिपरेशन करायचं, नीट जी फेस करायचं असल्यामुळे याचं थोडंसं डिटेल्समध्ये तुम्हाला मी यावरचं इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर पुढचा पार्ट काय आहे तर पहा, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट. ओके, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट. तर थॉमसनने एक्सपेरिमेंट काय काय केलं या संदर्भात, कशा प्रकारचं त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन झालं, तर ते आपण इथं सविस्तररित्या पाहूया. म्हणजे जे जे थॉमसनने जो काही कॅथोड रेचा जे काय अभ्यास केला त्यांनी, तर कसा केला, एक धावतं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला इथं देणार आहे. क्वेश्चन समजा तुम्हाला परीक्षेमध्ये एखाद्या वेळेस एखाद्या सिलेबसमध्ये इफ देअर मे बी एनी क्वेश्चन मे बी ॲस्क इन युअर बोर्ड एक्झामिनेशन, क्या एक्सप्लेन डिटेल थॉमसन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेलॉसिटी अँड द रेशो ऑफ चार्ज टू मास और चार्ज टू मास रेशो. उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट बताओ, और चार्ज टू मास रेशो कैसा डिटरमाइन किया, ये भी यानी ये भी एक्सप्लेन करो. अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस वक्त आपको ये एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में देना होगा. ये ज़्यादातर से फिजिक्स में एक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, फिर भी मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ. क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कैथोड रे का स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टिगेशन हुआ. तो कैथोड रे का स्टडी जे जे थॉमसन ने कैसा किया, किस तरह से किया, ये एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. तो देखो, फैन कैथोड रेज सब्जेक्टेड टू बोले तो पास किए, कहाँ से पास किए, तो देखो इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. देखो मैं अभी ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस तरह से एक कैथोड रे, कैथोड है, कैथोड से पॉजिटिव रे ये चार्जेस निकले, और चार्जेस निकलने के बाद इधर एक रास्ते में इस तरह से एक बाजू में पॉजिटिव प्लेट लगाया और दूसरी बाजू में यहाँ नेगेटिव प्लेट लगाया. तो नेगेटिव प्लेट लगाने के बाद ये जो स्ट्रीम जा रहा था कैथोड रेज का, तो ये स्ट्रीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस तरह से डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने की वजह से थॉमसन को ये पता चलता है कि पॉजिटिव प्लेट, हमने तो पॉजिटिव प्लेट यानी कि पॉजिटिव करंट अप्लाई किया था, पॉजिटिव टर्मिनल दिया था, और ये जो बीम है, ये जो कैथोड रेज है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए, यानी कि ये जो बीम है, ये बीम में नेगेटिव चार्जेस होंगे, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन किया. तो कैसा, ये देखो अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दियर पाथ, देन कैथोड रेज ट्रैवल अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. यानी कि इस तरह से फैन कैथोड रेज आर सब्जेक्टेड टू, तो कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड अप्लाई किए थे, और दोनों ही फील्ड अप्लाई करने के बाद जब, यानी कि दोनों ही फील्ड एक बार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो और इलेक्ट्रिक यानी कि कैथोड बीम स्टार्ट किया, तो कैथोड बीम स्टार्ट करने के बाद वो बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुआ, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उस वक्त वो थोड़ा सा सर्कुलर पाथ फॉलो किया, यानी कि कंप्लीटली ऐसा सर्कुलर नहीं घुमा वो, तो खाली वो जस्ट इट कैन बेंड एट लाइक दिस, इस तरह से थोड़ा सा बेंड हुआ, लेकिन पॉजिटिव प्लेट अप्लाई करने के बाद इस तरह से ये थोड़ा सा सीधा गया, लेकिन थोड़ा सा बेंड होके गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कर्वेचर कंप्लीट किया उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और फाइनली उन्होंने एक थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगा के फाइनली उन्होंने रेशो डिटरमाइन किया. तो इस तरह से ये कैथोड ट्यूब इस्तेमाल की गई यहाँ, कैथोड ट्यूब. तो कैथोड ट्यूब में जिस तरह, जैसे कि हमारे टीवी का पिक्चर ट्यूब रहता है, यानी कि अगर पुरानी टीवी आपके घर पे फिलिप्स की वगैरह ओनिडा की अगर टीवी है, तो इस तरह से टीवी, ये जैसे तो ये देखो ना, ये जैसा स्क्रीन है उस तरह से ये स्क्रीन है, या स्क्रीन एक फोटो फिल्म लगाई होती थी. ओके, और ये इस तरह से ये कैथोड ट्यूब है. ओके, ये रहा कैथोड ट्यूब, इस तरह से ये कैथोड ट्यूब, और ये कैथोड ट्यूब पे इस तरह से बिठाने के बाद ये कैथोड यहाँ से आगे जाए, इसीलिए एक छोटा सा प्लेट बिठाया जाता है यहाँ, और ये उसे थोड़ा सा होल रहता है, और उसी होल में से खाली एक ही बीम सामने आता है, और आने के बाद यहाँ सामने यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट लगाया है. देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा बेंड होते, कैसे बेंड होते हैं एक एक पॉइंट से हम यहाँ देखते हैं. थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ मैं, खाली आप कॉन्सेंट्रेशन देके सुनिए. ये देखो ये कैथोड है, यहाँ का ए कैथोड है, इस तरह से ये कैथोड और यहाँ ए एनोड है. ओके, यहाँ एक कैथोड के ओके टर्मिनल दिया गया है यहाँ, तो ये कैथोड है और ये एनोड है, और यहाँ से जो कुछ भी बीम निकलता है तो यहाँ जो होल रहता है
यहाँ जो होल रहता है, ये होल में से ये आगे पास होता है। पास होने के बाद यहाँ पॉजिटिव प्लेट अप्लाई किया है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल दिया गया है यहाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और दूसरा इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने के बाद, इधर से इलेक्ट्रिक करंट सेंड करने के बाद, हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद बीम निकलता है और ये बीम सीधा सामने जाके ये स्क्रीन पे पड़ता है, ओके। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये थोड़ा सा बेंड होके इस तरह से ए पॉइंट के ऊपर जाके गिरता है और मैग्नेटिक फील्ड और ये टर्मिनल बाद में बदल दिया जाता है, इधर नेगेटिव करते हैं और इधर पॉजिटिव किया जाता है। तो पॉजिटिव करने के बाद इस तरह से और इधर बेंड होता है। और जब हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड होता है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद उसके ऊपर हम फाइनली कुछ डिटरमाइन करते हैं। तो क्या डिटरमाइन करते हैं हम आगे देखते हैं। तो चलो, तो आगे का पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन दिया है मैंने यहां आपको। तो कंस्ट्रक्शन क्या है देखो, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज एंड रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, दैट इज द ई बाय एम ऑफ कैथोड रेज। टू डिटरमाइन करने के लिए, चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के लिए इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन दिया है। तो क्या है कंस्ट्रक्शन में, दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग एनोड एंड कैथोड। थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं मैं, ये एनोड एंड कैथोड यहां अप्लाई किया गया, ये एनोड है और ये कैथोड है। जो पीछे एग्जाम मैंने डायग्राम दिया था ये गलती से ये इधर आया था, जरा फिगर वगैरह स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा क्लोज किया तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह इधर उधर हिलता है। तो ये है कैथोड और ये है एनोड, ये एनोड इधर लिखना चाहिए था, ओके। तो इसके बाद कैथोड लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस लाइक द 19 किलो वैट टू 20 किलो वैट इज अप्लाइड बिटवीन देम, यानी कि यहां 19 किलो वैट टू 20 किलो वैट इतना हाई पोटेंशियल यहां अप्लाई किया गया, ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में। द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड एट वेरी लो प्रेशर, इवैक्यूएटेड बोले तो वैक्यूम, वहां किस तरह का भी कौन सी भी हवा नहीं होनी चाहिए अंदर, यानी कि नो एनी एयर, ओके। इवैक्यूएटेड एट वेरी लो प्रेशर, तो प्रेशर कितना दिया गया है यहां, तो प्रेशर है 0.01 मिलीमीटर टू 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतने रेंज का प्रेशर यहां दिया गया था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द रे विल बी एमिट फ्रॉम कैथोड सरफेस कॉल्ड कैथोड रेज, यानी कि ये जो रेज है कैथोड सरफेस से निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई और ये कैथोड जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कैसा किया, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह से किया, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो कैथोड रेज आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द मेटल डिस्क, दैट इज द एक्स एंड वाई, ये मेटल डिस्क है, इन्हें हम एनोड को कनेक्ट करते हैं। मेरी हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, ओके। एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई विच आर मेंटेनड एट एनोड पोटेंशियल, यानी कि ये एनोड पोटेंशियल को ये दो प्लेट बिठाए थे और एक्स एंड वाई, और जो ये के हम इधर दिखा रहे हैं तो ये के है कैथोड है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, द नैरो होल्स ऑफ डिस्क कन्वर्ट द कैथोड रेज इनटू द फाइन पेंसिल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन बीम, तो अभी यहां नहीं कह सकते हम, अभी तो इलेक्ट्रॉन बीम नहीं कह सकते, यहां तो सेंटेंस मैंने इलेक्ट्रॉन बीम लिखा है, लेकिन आपको यहां प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा कैथोड बीम, क्योंकि अभी तक ये कैथोड बीम ही है। फाइनली जब इसका इन्वेस्टिगेशन रिसर्च फाइनल होता है वहां इसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में होता है, अभी अभी हम तो यहां कैथोड बीम ही कहेंगे, कैथोड बीम, बीम बोले तो एक प्रवाह, ओके, बीम, कैथोड बीम इस तरह से यहां से निकलता है और ये जो डिस्क है मेटल डिस्क इसके ऊपर पड़ता है, यानी कि अगर आप बैटरी का टॉर्च, जो टॉर्च है, टॉर्च चालू करने के बाद उसकी जो कुछ भी लाइट पड़ेगी एक मेटल पे पड़ेगी, समझो मेटल पे पड़ रही है, मेटल पे पूर्णता वो अटक जाती है, अगर उसमें एक छोटा सा होल है तो होल में से एक ही लाइट का बीम जैसा आगे चला जाता है, उस तरह से ये कैथोड बीम, ये मेटल बीम से, मेटल की होल से खाली एक बीम आगे चलता है, खाली एक बीम आगे जाने के बाद आगे क्या हुआ, तो ऑन दिस, ओके, नैरो होल्स एक्स विच मेंटेन एट अनर होल, ओके। उसके बाद द पेंसिल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख, ओके, द फाइन पेंसिल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द एक्सिस एंड इट विल फॉल एट द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन वेयर द ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व। मैंने शुरू में आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जब हम यहां से
कैथोड बीम यहां से निकलता है, वो बीम ये जो होल है, जो होल है होल में से निकल के ऐसा स्ट्रेट सामने जाता है और ये जो स्क्रीन है स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट करके वो गिरता है, वो पड़ता है वहां। ओके, आगे का पॉइंट क्या है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन, यानी कि शुरू में क्या किया हमने, थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड यहां दिखाने के लिए ये जो सर्कुलर लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये जो सर्कुलर लाइन है, ये सर्कुलर लाइन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड है, या अगर ऐसा छोटे छोटे क्रॉसेस में अगर दिखाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन मैं पूरे ऐसे क्रॉसेस दिखाऊंगा तो क्रॉसेस पूरे ऐसे अगर पहले से निकाल के रखूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, फिगर समझने में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने ये क्रॉसेस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई थी, खाली यहाँ सर्कुलर सर्कल दिखाया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कल है। ओके, तो बाद में क्या किया हमने, हमने नहीं, थॉमसन ने, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट सी एंड डी, यहां एक प्लेट सी है, ये देखो ये प्लेट सी है और इधर से एक प्लेट डी है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड म्हणजे यानी कि क्या, तो यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम विल डिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन ये जो बीम जा रहा है ये बीम में नेगेटिव चार्ज्ड कैरी है वो, और ये नेगेटिवली चार्ज रहने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ है थोड़ा सा बेंड होता है, डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फॉल एट द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। फाइनली क्या करता है वो, इधर इस तरह से बीम इस तरह से बेंड होता है और बेंड होने के बाद ये पी के जगह पड़ता है। ओके, पी के जगह पड़ता है। तो अजीम जामदार, थैंक यू बेटा, सब जो जो बच्चे लाइव है उन्हें मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप थोड़ा सा कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं तो मुझे बहुत बहुत पसंद होगा। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड फॉलो सर्कुलर पाथ, ओके, क्योंकि वहां ऐसा थोड़ा सा सर्कुलर यानी कि ट्विस्टिंग फोर्स यानी कि टॉर्क क्रिएट होता है, वहां टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से जाता है तो जाते वक्त उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वहां एक ट्विस्टेड फोर्स क्रिएट होता है, और ट्विस्टेड फोर्स क्रिएट होने की वजह से वो बीम थोड़ा सा सर्कुलर पाथ वहां फॉलो करता है, वो फाइनली मैं आगे बताने वाला हूं आपको। ओके, डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फॉल एट द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। कब है ये, ये है मैग्नेटिक, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चालू है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तब वो बेंड होता है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल होने के बाद थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द स्पेस शोन डॉटेड सर्कल, यहाँ एक डॉटेड सर्कल में आपको मैं यहाँ दिखा दिया है। द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्स एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, यानी कि फिगर का जो प्लेन है अभी जो आपको, यानी कि ऐसा जो प्लेन है या प्लेन को परपेंडिकुलर होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में वो दिखाई देता है फिगर। बाय द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फॉल एट द पॉइंट क्यू ऑन द स्क्रीन, और इस तरह से ये थोड़ा सा बेंड होता है और बेंड होने के बाद इस तरह से ये बीम इस तरह से ये क्यू के जगह आके वो फॉल होता है। ओके, मैंने शुरू में क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्मिनल बदलने के बाद अगर आप इधर पॉजिटिव है या पॉजिटिव की जगह इधर आप नेगेटिव करते हैं और इधर आप पॉजिटिव करते हैं तो भी ये इधर बेंड होता है, यानी कि क्यू के डायरेक्शन में जाता है लेकिन क्यू पे नहीं गिरता, क्योंकि इसके इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से ये स्ट्रेट होता है, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट होता है ये, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेंड होकर इस तरह से आता है यहां, यानी कि इधर से ही बेंड होता है, क्योंकि डायग्राम हम 100% परफेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका लोकेशन, उसका जो बीम है, उसका जो स्क्रीन है, ये इतना ही 100% हम यहाँ दिखा नहीं सकते। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन को थोड़ा सा बेंड होता है और क्यू के जगह वो इंसिडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टडीड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और साइमल्टेनियसली, यानी कि क्या क्या कहा यहाँ,
यानी कि एक्सपेरिमेंट जब स्टडी किया तो उस वक्त एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और एक बार फाइनली साइमल्टेनियसली यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट कैरी करने के बाद उन्हें ये रिजल्ट मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होता है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो जस्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और क्यू के जगह यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो गिरता। तो इस तरह से हमने यहाँ ये यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैथोड रे ट्यूब के डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह से अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन बीम किस तरह से तैयार हुआ ये या बताने की कोशिश की है। ओके तो इसके बाद ओके तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके अजीम जामदार सर आपली लाइव स्ट्रीम तर 6 वाजता होती ना मग काय झालं। ओके संध्याकाळी 6 वाजता तर असतेच मित्रा। आता हे केमिस्ट्री चालू आहे, केमिस्ट्रीचा व्हिडिओ चालू आहे, केमिस्ट्रीचा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू आहे, संध्याकाळी 6 वाजता तर तो आहेच आहे। ओके त्यानंतर आता इथं काय सांगितलं बघा, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फील्ड अप्लाई करने के बाद इस तरह से ए बीम पी के डायरेक्शन में बेंड होता है। ओके और अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ई विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक किसी टाइप का एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स है एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। ओके द फोर्स इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉन्ग द पैराबोलिक पाथ, इस तरह से ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वो ऊपरी डायरेक्शन में जाता है और पी के जगह वो इंसिडेंट होता है। ओके देन आफ्टर लिविंग द फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉल्स एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट होता है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो वो सीधा जाके ओ के जगह वो गिरता है, यानी कि वो एक ओ के जगह वो इंसिडेंट होता है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देखो द मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड द स्पेस बिटवीन द डॉटेड शोन बाय द डॉटेड सर्कल। ओके द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, परपेंडिकुलर टू इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देता है और वो सर्कुलर फॉर्म यहाँ फॉलो किया जाता है इस तरह से। और ये जो बीम है, ये जो सर्कुलर ये सर्कल है, ये सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है और ये इस तरह से सर्कुलर पाथ ऐसा जस्ट थोड़ा सा सर्कुलर पाथ ऐसा फॉलो करता है और सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद वो ओके जगह जाके वो गिरता है। ओके संजय पोपले कैन फील्ड पास थ्रू द पॉइंट ओ, ओके नो ओ पे जाके वो अटक जाते हैं, यानी कि ओके यानी कि मेटल शीट को वो क्रॉस जब वो एक्सरे कन्वर्ट होता है, एक्सरे में कन्वर्ट करने के बाद वो बाहर जाता है, लेकिन जब तक कैथोड रे में वो खाली वो स्क्रीन पे अटक जाता है, यानी कि ओ से क्रॉस करके वो आगे नहीं जाता। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है देखो सपोज वी बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वी बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, वो कैसा है तो इस तरह से यहां हम दिखाते हैं एफ इक्वल्स टू बी इंटू वी। बट व्हाट इज बी, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन है, ई इज द चार्ज है। ओके और यहां ओके दस फोर्स इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो करता है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर यहाँ है तो इस तरह से यहाँ तक वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, लेकिन आगे ये पूरा स्ट्रेट लाइन में जाता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से लीव होता है वो आगे सीधा जाके वो स्क्रीन पे इंसिडेंट होता है, यानी कि जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक वो थोड़ा सा सर्कुलर पाथ फॉलो कर, आफ्टर लिविंग द फील्ड द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने आपको बताया था, एंड फॉल्स एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन वेयर द ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड, क्यू के जगह ओ नहीं क्यू है यहाँ क्यू क्यू चाहिए, क्यू के जगह वो जाके इंसिडेंट होता है, यानी कि यहाँ से जब जाता है जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक इस तरह से ये अभी तो स्क्रीन में यहां डिटेल्स नहीं दिखा सकता, एक्चुअली यहां इस तरह से होता है इस तरह से,
और आगे जाके इधर एक स्क्रीन पे वो इंसिडेंट होता है, वो बड़ा स्क्रीन वगैरह वहाँ अप्लाई किया जाता है। यहाँ फिगर ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा ड्रॉ किया। ओके, ये रहा, एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब क्या कर रहे हैं हम, तो साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, तो देखो थॉमसन अप्लाइड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इन वे डिस्क्राइब्ड अबव। ओके, एंड जैसे कि दियर मैग्नीट्यूड्स वेयर एडजस्टेड सच दैट द रेज रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, द स्पॉट रिमेन एट द ओ। देखो अगर दोनों ही अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, तो अप्लाइड बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इन अ वे डिस्क्राइब्ड अबव, जिस तरह से शुरू में यानी कि ऊपर ही दो जो पॉइंट में दिए हैं उसमें ए डिस्क्राइब किया है। दियर मैग्नीट्यूड्स वेयर एडजस्टेड, मैग्नीट्यूड एडजस्टेड करने के बाद सच दैट रेज रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये एक नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है और ये एक ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, बेंड करने की कोशिश करता है। यानी कि एक पी के जगह इंसिडेंट करने के लिए कोशिश चालू रहती है और एक क्यू के जगह इंसिडेंट करने की कोशिश, लेकिन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना बोले तो जो कुछ भी हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो पोटेंशियल थोड़ा सा कम ज़्यादा, यानी कि जो दो प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दो प्लेट का पोटेंशियल अगर थोड़ा सा हम कम ज़्यादा करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी सी कम ज़्यादा करते हैं, यानी कि दोनों परफेक्ट अगर हम मैच करेंगे तो वो बीम कैथोड रे का बीम सीधा जाके ओ के जगह वो इंसिडेंट होगा, यानी देर इज नो एनी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पी पॉइंट और टुवर्ड्स क्यू पॉइंट। ओके, तो ये रहे दो यानी कि साइमल्टेनियस एप्लीकेशन। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इक्वल टू द, अभी ये वही तो बताया मैंने, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों कंपैरिजन है, दोनों परफेक्टली कंपेयर, दोनों परफेक्टली इक्वल है, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे का इफेक्ट वो नेग्लेक्ट यानी कि नल इफेक्ट कर देते हैं, और नल इफेक्ट करने के बाद वो कैथोड बीम सीधा जाके ओ के जगह जाके वो इंसिडेंट होता है। ओके, इसके बाद ई इंटू, अगर दोनों का अगर हम परफेक्टली इक्वल करते हैं, यानी कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड अगर हम इक्वली अप्लाई करते हैं तो यहाँ ई एंड ई बोथ गेट कैंसल, स्मॉल ई गेट कैंसल, बाकी रहता है खाली ई बी एंड वी रहता है। तो ये वी, तो वी इज इक्वल्स टू ई बाय बी। तो थॉमसन फाउंड दैट द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल कैन बी ऑन हाई एज 20% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एक बार देखो, थॉमसन फाउंड दैट द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स कैन बी ऑन हाई एज 20% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ये 20% हाई वेलोसिटी इसकी कैथोड रे की हमें देखने को मिलती है। ओके, और इसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द पीडी, पीडी बोले तो जो कुछ भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, यानी कि एनोड जो कि कैथोड मैंने दिखाया था, जो बल्ब एरिया था, बल्जिंग एरिया था बैक साइड की एरिया में, वहां कैथोड कैसे इंडिकेट किया था, और जो ये मैं ऊपर से दिखा रहा था जो कि दो प्लेट वहां हम बिठाते, दो प्लेट सर्कुलर प्लेट वहां बिठा देते एक उसे होल करके, तो दो प्लेट है वो एनोड रहते हैं और इधर बाजू में जो बैक साइड में जो बिठाया रहता है वो कैथोड रहता है। अगर दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल हम कम ज्यादा करते हैं तो कैथोड बीम के वेलोसिटी के ऊपर भी वो परिणाम करता है। ओके, उसके बाद का पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। अभी तक हमने तीन पॉइंट देखे, यहाँ एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी, और उसके बाद हमने साइमल्टेनियस फील्ड अप्लाई किया। तो साइमल्टेनियस फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें क्या देखने को मिला तो रेशियो हमने वहाँ डिटरमाइन किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, तो कैसा डिटरमाइन किया ये हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या है, एज फोर्स इन दिस केस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, परपेंडिकुलर रहता है एज ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स, आपको पता है सर्कुलर मोशन में आपने सेंट्रिपेटल फोर्स से पढ़ा है, सेंट्रिपेटल फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल ट्रैवल अलोंग द सर्कुलर
पाथ, यानी कि अगर वहां से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर ये बीम इस तरह से जा रहा है तो वहां सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वहां एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होने के बाद इस तरह से ये पार्टिकल ऐसा बेंड होता है और जहां तक यानी कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस तक आता है और यहां से जब वो बाहर जाता है तो वहां सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में वो निकलता है आगे। ओके, तो आगे क्या है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल ट्रेवल अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपेटल फोर्स वहां एक होता है, जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से उसे मिलता है, जो मूविंग पार्टिकल रहते हैं, मूविंग कैथोड पार्टिकल रहते हैं, उनको एक सेंट्रीपेटल फोर्स वहां क्रिएट होता है, इसके वास्ते वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। देन लेट यम इज द मास ऑफ कैथोड पार्टिकल, जो कैथोड पार्टिकल हम वहां जो कैथोड पे जनरेट होते हैं वो कैथोड पार्टिकल का ईच एंड एवरी पार्टिकल का मास हम यहाँ यम से मेजर करते हैं। रेडियस यानी कि जितना सर्कुलर पाथ वो फॉलो करता है, जितना सर्कुलर पाथ मैंने आपको इस तरह से दिखाया था और ये ऐसा रेडियस भी निकाल के दिखाया था शुरू में। ओके, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो, और ये आने वाला बीम इस तरह से वो बेंड होता है और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, अगर इस तरह से अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो इसकी रेडियस भी डिटरमाइन की जाती है, तो रेडियस रहती है वो आर रहती है। ओके, उसके बाद देन द आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देन नाउ द सीपीएफ बोले तो सेंट्रीपेटल फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई करती है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स वो कितना रहता है, तो देखो दिस वन इज द एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ई बी वी, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का जो कुछ फोर्स रहता है तो फोर्स रहता है ई बी वी रहता है। ओके, यानी कि ई इज द चार्ज, ओके बी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्जेस। एंड हियर मास तो दिया है मैंने, आप कैथोड रे पार्टिकल का मास है, इसकी वेलोसिटी है मूविंग की, और जितना कर्वेचर पाथ वो फॉलो करता है उसकी रेडियस रहती है, ये आर रहती है, यानी कि परफेक्ट ऐसा सर्कुलर पाथ तो वो फॉलो नहीं करता, यानी कि कंप्लीट वो राउंड 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 ऐसा नहीं घूमता हो, जहां तक वो सर मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक वो खाली सर्कुलर पाथ फॉलो करता है इस तरह से, और वो वहां से आगे निकल जाता है, लेकिन जितना भी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना, कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो रेडियस आर यहां हम लेते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन और इसका डिटर्मिनेशन है एम वी बाय आर, क्योंकि यहां ये स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर कैंसिल होता है और इधर का भी वी कैंसिल होता है, तो एम वी बाय आर आता है, तो एम वी बाय आर के बाद हम क्या करते हैं, तो ये जो ई है ये ई हम इधर लेते हैं और ये जो आर है ये इधर लेने के बाद थोड़ा सा इक्वेशन हम जस्ट मॉडिफाई करते हैं। तो इक्वेशन मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो यम ये देखो थोड़ा सा जस्ट है यहाँ जैसा दिया वैसे हम कर रहे हैं यहाँ, तो थोड़ा सा इस तरह से भी बदल कर सकते हैं, यम बाय चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास देना है हमें, यहाँ मास टू चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ई यम बाय ई इज इक्वल्स टू यम बाय ई इज इक्वल्स टू बी आर डिवाइडेड बाय वी है, लेकिन हमें क्या डिटरमाइन करना है, चार्ज टू मास, तो अब हम थोड़ा इसका इस इनवर्स लेते हैं, तो ई बाई एम इज इक्वल्स टू वी बाय आर बी, इस तरह से वी बाय आर बी, तो ये रहा चार्ज टू मास रेशियो। ओके, तो चार्ज टू मास रेशियो, बट आपको पता है क्या है, वी इज इक्वल्स टू ई बाय बी है, ई बाय बी, तो वी इक्वल्स टू ई बाय बी होने की वजह से ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल्स टू ये वी के जगह क्या लेते हैं हम, बी ई बाय बी लेते हैं, तो पहले से भी बी है यहाँ, तो बी इंटू बी इज दी बी स्क्वायर एंड आर इज दी रेडियस है, जितना वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसकी वो रेडियस है। ओके, देन फ्रॉम द ऑब्जर्वड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंट स्पॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द डायमेंशन ऑफ एपरेटस रेडियस आर कैन बी डिटरमाइन, और एक बार फ्रॉम ऑब्जर्वड डिफ्लेक्शन, जो कुछ भी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ऑन द फ्लोरोसेंट स्पॉट, यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल जो स्क्रीन है वो स्क्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल रहता है, और वहाँ अगर ये कैथोड रे जाके अगर गिरते हैं तो वहाँ वो ब्राइटनेस यानी कि थोड़े से चमकते ही है, वहाँ एक चमक क्रिएट करते हैं, वहाँ निर्माण करते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा चमकते हैं। ओके, तो यहाँ फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ अपैरेटस, जैसे हो भी हो,
देन रेडियस आर कैन बी डिटरमाइन, और इसकी मदद से हम रेडियस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से, नोविंग द वैल्यूज ऑफ बी ई आर, ये देखो बी ई, ओके बी ई आर, द चार्ज टू मास रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर इनकी वैल्यू आपको मालूम है तो हम चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करते हैं, तो वन ओ रहेगी 1.759 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर किलोग्राम, इस तरह से ओके। और देन डिस्कस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, अभी अभी हमने यहां डिटरमाइन किया है चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया है, ये कितना है चार्ज टू मास रेशियो 1.759 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर किलोग्राम, ओके। देन इसके बाद डिस्कस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हम मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये देखने वाले, थोड़ा ही बीट है ये, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये, ओके। तो बाद में क्या है देखो, आर ए मिलिकन डिटरमाइंड द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज दैट इज द -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि मिलिकन डिटरमाइंड द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट वॉज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज दैट इज द -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसके मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन आगे क्या है, मिलिकन एक्सपेरिमेंट किस तरह से है, तो इस तरह से ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा कंटेनर रहता है, कंटेनर में इधर से एक टेलीस्कोप रहती है, इधर एक ऑयल एटोमाइजर कहते हैं हम इसे, यहाँ ऑयल भरा रहता है, इसमें ये ऑयल भरा रहता है, ओके। तो ऑयल ये एटोमाइजर रहता है, अगर ये प्रेस करने के बाद, पूरा सा प्रेस करने के बाद ये ऑयल ऊपर उछलता है, उठता है, और ऊपर उठने के बाद ये पाइप से अंदर जाता है, और इसके जो ड्रॉपलेट आपको मालूम है, जैसे कि हम स्प्रे यानी कि हेयर कटिंग सैलून में यानी कि कटिंग के दुकान में जो स्प्रे मारता है वो पर्सन, उसी तरह से ये स्प्रे जैसा ही है। तो ये जो ऑयल रहते हैं, ऑयल के ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं, और ये ड्रॉपलेट नीचे आते हैं, तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट, दिस वन इज स्मॉल होल है इस प्लेट को, ये चार्ज्ड प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट है ये, ये देखो यहाँ आपको दिखाया गया है चार्ज्ड प्लेट, यानी कि इसका प्लेट टर्मिनल है, उसमें से नीचे ड्रॉपलेट आते हैं, उसमें से नीचे आने के बाद एक्सरे फ्रॉम दी सोर्स, ओके तो इस तरह से ये एक्सरे में कन्वर्ट होता है। तो दिस वन द चार्ज, दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ओके ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, मिलिकन 9.11 × 10⁻³¹ किलोग्राम है, ओके ये इलेक्ट्रॉन का मास। अगर इनका हम पूरा रिलेशन देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कैसा फाइनली हम देखेंगे यहाँ। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वॉज स्मॉलर पॉसिबल चार्ज ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल और आयन, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज द चार्ज ऑन पार्टिकल कैन बी होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, दैट इज द प्लस और माइनस एन ई, एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर क्वांटिटी त्याची, एंड ई इज द चार्ज, एंड वेयर एन इज द इंटीजर दिया है मैंने आपको यहाँ। तो देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग, इनका कॉम्बिनेशन करने के बाद रिजल्ट द थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ये दोनों का कंबाइन करने के बाद कितना आता है, तो ई बाई एम दैट इज द 1.759 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम पर कूलम पर किलोग्राम थॉमसन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ओके। और चार्ज है 1.602 × 10⁻¹⁹, ये रहा मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट की मदद से। अगर इनका कॉम्बिनेशन करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको डिटरमाइन करना है तो E by M, ओके तो यहाँ क्या होगा, तो 1.602 × 10⁻¹⁹ और 1.6776 × 10⁻¹⁹ करेगा, E by M का रेशो आपको पता है, इनका अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। This is the mass of electron with the help of Millikan's experiment. Millikan experiment की मदद से हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन किया है। What is, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से properties of electron. अब क्या क्या properties है, क्योंकि इसी वीडियो में हम इसे खत्म करने वाले हैं, दूसरे वीडियो में हम
प्रोटॉन का डिस्कवरी लेने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एज फॉलोज। तो कौन से प्रॉपर्टीज, ओके देखो, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसका भी एक मैं 10 मिनट का वीडियो अलग सा बना सकता हूँ, ओके फिर भी मैं इसमें ही ले रहा हूँ। इट इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ 9.11 × 10⁻³⁻³ kg। ये मास है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग द मास, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 × 10⁻³⁻ kg। इसके बाद इट कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, इट कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ओके। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। और एक बार बता दो, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत याद रखने होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं नीट जी के एग्जाम में, और दूसरे जो कुछ भी हो, यूपीएससी एग्जाम हो, कहीं भी हो, यूपीएससी, अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं यूपीएससी करने वाला हूँ, मुझे यूपीएससी करना है, तो उन बच्चों के लिए तो हर एक चैप्टर, ट्वेल्थ तक हर एक चैप्टर साइंस का बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, बहुत अच्छी तरह से। अगर उधर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लेके भी अगर आईएएस बनता है, तो उसको ये ट्वेल्थ तक बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना होगा, क्योंकि ट्वेल्थ तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अगर उसने डिटेल से स्टडी किया, तो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी को पूछे नहीं जाते, जनरल नॉलेज में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं पूछते, खाली ट्वेल्थ तक पूछते। उसके बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके, द अमाउंट 8 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे इन 1896। इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ओके। 8 चार्ज के बारे में, 1 फैराडे कैसा है, अमाउंट 8 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, ओके। इसका डिस्कवर्ड किसने किया, जे थॉमसन ने किया, कब किया, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन सजेस्टेड बाय सीजे गोल्डस्टीन, जॉनस्टोन स्टोनी, सॉरी सीजे गोल्डस्टीन नहीं, सी जीजे स्टोनी, यानी कि जॉनस्टोन स्टोनी, ये पर्सन ने, यानी कि कैथोड रे के नेगेटिव पार्टिकल्स को, कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, ऐसा नाम जॉनस्टोन स्टोनी ने दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बिकम इनफाइनाइट। क्या किया यहां, ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऐसा इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बिकम इनफाइनाइट। हाँ, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको बॉदर करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा सेंटेंस भी गलती हो गई है। फेन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो, फेन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट देन इट्स मास बिकम इनफाइनाइट, ऐसा सेंटेंस होना पड़ता है। थोड़ा सा सेंटेंस लिखने में मेरी तरफ से ये गलती हो गई है, ओके। इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बजाय एटम नहीं है और एटम के बजाय मैटर नहीं है, यानी कि हर एक मैटर में एटम है, तो एटम बोले तो एटम में इलेक्ट्रॉन है ही, यानी कि ईच एंड एवरी मैटर में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी कि कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना या देना, लेन देन के ऊपर ये थोड़ा बेस्ड रहता है। और द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर सेल में, यानी कि जो कुछ भी आउटर सेल रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके ऊपर उसका डिपेंड करता है, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाने की कोशिश की है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एक स्पेशली वीडियोज में बाद में बनाऊंगा, अभी इसका भी एक 10 मिनट का वीडियोज में अच्छी तरह से बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पढ़ाना है, खाली वीडियो बना के खाली व्यूज के लिए ये काम नहीं कर रहा मैं, तो पढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा भी वीडियो हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं विस्तार से और डिटेल से आपको
बताने की पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये लास्ट तक आपने वीडियो देखा, लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो लाइव सेशन है 2 बजे, और वो भी 12th केमिस्ट्री के लिए सॉल्यूशन का मैं लेने वाला हूँ। उसे भी जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे भी मेरे साथ अब जुड़ सकते हैं। तब तक हम यहाँ ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।